प्यारे दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कर दी है, जो कि स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन का एक कम दूरी वाला संस्करण है और जिसे अगले 16 महीने के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। वी आर ऑल्सो डेवलपिंग वंदे मेट्रो नाउ। देयर पीएम्स विजन वॉज दैट अराउंड अ बिग सिटी देयर आर विद इन द पेरिफेरी ऑफ 50-60 किलोमीटर्स देयर आर वेरी लार्ज हैबिटेशंस व्हिच शुड बी where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming up with a Vande Bharat equivalent Vande Metro concept, which will be very rapid, shuttle-like, world-class shuttle-like experience for the customers. And this year, the production and design will be completed. And next year, which is 24-25 financial year, the ramp-up of production of that train will be done. ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें मुंबई लोकल नेटवर्क में भी शामिल किया जा सकता है और ऐसे में यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर उपनगरीय यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक शीर्ष गति तक पहुंचने की क्षमता के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क पर दूसरों की तुलना में काफी तेज है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों की गति से काफी अधिक है, जो औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन सेट में 8 वातानुकूलित कोच यानी एसी इंटरसिटी और 12 एसी कोच इंटरसिटी मूवमेंट के लिए होंगे। वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप कैलेंडर ईयर 2024 के अंत तक तैयार हो जाएगा। साथ ही यात्री ट्रेनों की औसत गति उन मार्गों पर बाड़ लगाकर बढ़ाई जा सकती है जिन पर वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रास्ते में कम से कम व्यवधान हो। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रति कोच अनुमानित निर्माण लागत 8 करोड़ रुपए की आंकी गई है। पहले चरण में लगभग 600 वंदे मेट्रो कोच बनाने की उम्मीद है, जिसमें कुल 4,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन अगले चरण में इसे बढ़ाकर 1,000 किया जाएगा। FY24 के दौरान लगभग 62,000 करोड़ रुपए की लागत से कई नई लाइनें बिछाने और मौजूदा लाइनों को दुगना करने के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। रेलवे की योजना FY24 में 7,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।